जमील साहब की बेटी की शादी है, तुम क्या पहनकर जा रही हो? हमने जो तुम्हें फिरोजी वाली साड़ी दी थी ना, वो पहन लेना, और साथ जो डायमंड का सेट था वो भी पहन लेना। मैं तो समझती थी तुम आर्ट्स की स्टूडेंट हो, कलर कॉम्बिनेशन की बड़ी सेंस होगी तुम्हें, लेकिन तुम तो हर जगह फीके रंग पहनकर मुंह उठा के चली जाती। वो याद आया, आतिफ के सूट दे दिए ट्रैकलिन को? कौन से सूट? मुझे उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम बीवी हो उसकी, कि कौन से उसके सूट ड्राइक्लीन को जाएंगे और कौन से कपड़े उसके स्त्री होंगे। तुमने कुछ सीखा हो तब की बात है ना, और उल्टा तुम्हारे माँ बाप आ जाते हैं कि पढ़ाई मुकम्मल करवा दीजिए। पहले कॉलेज से क्या सीख लिया जो अब तीर मार लोगी? मुझे ऑफिस जाके याद आता तो क्या होता, कितना नुकसान होता जानती हो? 3 दिन से तुम्हें एक काम कहा हुआ है यार, कि मेरे पेपर्स रख देना, मेरे पेपर्स रख देना, लेकिन क्या बकवास है ये! मुझे ऑफिस जाकर अगर याद आता तो क्या तुम्हारा बाप आके देता मुझे? अब मिल गए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब गुस्सा क्या कर? अगर ये मैं भूल जाता यहां पे तो कौन लाके देता मुझे? तुम्हारा बाप आता क्या? मेरे बाप तक मत जाए। तू ना जाऊं तुम्हारे बाप तक? हाँ, अब तो मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? जाऊंगा तुम्हारे बाप तक, जरूर जाऊंगा। एटीट्यूड ना अपने बाप को जाकर दिखाना, मेरे घर में रहना तो अपनी औकात में रहना। साहब, बड़े साहब नीचे इंतजार कर रहे हैं आपका, आपको बुला रहे हैं। हाँ भाई, अरसा ही हो गया आपका, हमने चेहरा नहीं देखा है। क्या हुआ, बहुत मसरूफियत हो गई है? आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है ना? कारोबार ठीक ठाक चल रहा है? आपकी दुआ है, कारोबार भी ठीक जा रहा है सब कुछ। अच्छा ये बताइए, सलमा बेटी भी अपने घर में ठीक ही होगी? लाख मसले ठीक ठाक ही है, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। आपने क्या सुना है? ऋषि साहब, मैंने सुना है कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। ये आपने किससे सुना है? वो दरअसल मेरे ड्राइवर का भाई उनके घर में खानसामा है, और ये सारी बातें उसने मुझे बताई हैं। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हो। जमील भाई को गलत फहमी हुई होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी तेरा, बैठो बेटा। रोको उन्हें वहीं पे, बुलाते हैं उन्हें। आइए आइए कुरैशी साहब, बैठिए। इसलिए आप मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए थे? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा था, अब मैं समझ गया हूँ। चलो सलमाओ। कुरैशी, कहाँ लेके जा रहे हो, बैठ के बात करते हैं। जरूर बैठ के बात करता, अगर आप लोगों का वो सलूक ना होता इसके साथ जो आपका रहा है। मैंने अपनी बेटी को यहाँ इस घर में इसलिए ब्याया था कि सुख चैन की जिंदगी गुजारेगी, इसलिए नहीं कि आपका बेटा उसके ऊपर हाथ उठाएगा। सलमा, एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। कुरैशी साहब बात तो सुने। देखिए द
तुम्हारे हुसन के नाम, पीर और मंगल रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।